सुप्रभातम। कलकत्ता से 30 मील दूर गंगा मैया के पूर्व तट के कोना देहात में परम भक्तिमान वैष्णव परिवार में मेरा जन्म 28 सितंबर 1793 में हुआ। जन्म नाम तो राशमोणी था, लेकिन माता बड़े स्नेह से मुझे रानी पुकारा करती थी। घर की आर्थिक हालात तो बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिकता तो विरासत में मिली थी। पिता हरे कृष्ण दास अत्यंत तल्लीन होकर धार्मिक कथाओं का कथन किया करते थे। ग्रामवासियों ने उन्हें लोक शिक्षक उपाधि से विभूषित किया था। मेरे पिता ने हस्तस्य भूषणम दानम इस संस्कार का बीज मुझमें बोया। सन 1804 में विख्यात जमींदार श्री राजचंद्र दास जी ने मुझसे पाणी ग्रहण करने का प्रस्ताव रखा। पिताजी ने उसे स्वीकृति दी और दूध आलता में बाव डुबाव कर मैंने दास जी के घर प्रवेश किया और उनकी गृहस्वामिनी बनी। संपत्ति के लोभ ने तो मुझे कभी विचलित नहीं किया, लेकिन सत्यनिष्ठ राजचंद्र जी हर चीज में मुझसे सलाह मशवरा लेते थे, मुझे सहधर्मचारिणी का दर्जा देते थे। यह बात मेरे लिए बहुत सुखदायी थी। मेरा नित्य क्रम था पूजा पाठ के उपरांत सास ससुर जी का चरणोदक लेने के पश्चात ही भोजन करना। कुलदेव श्री रघुनाथ जी ने मेरे चारों पुत्रियों पर असीम कृपा वृष्टि बरसाई। अतुल ऐश्वर्य के अधिकारी श्री राजचंद्र जी ने कलकत्ता के जान बाजार परिसर में 300 कमरों का आलिशान भवन निर्माण किया। एक दिन वे दोपहर को विश्राम कर रहे थे, तभी एक यतिराज जी ने आकर उन्हें रघुनाथ जी की मूर्ति देते कहा, रघुनाथ की सेवा करो, आपका उत्कर्ष होगा। जब उन्हें कुछ दान देने की कोशिश की गई तो सन्यासी ने अस्वीकार किया और वे यात्रा के लिए चल पड़े। कुछ काल पश्चात मेरे पिताश्री का देहावसन हुआ। क्रियाकर्म करने जब हम कोना नदी के तट पहुँचे तो वहाँ बहुत कीचड़ था, जमीन में बहुत उबड़ खाबड़ थी। मैंने राजचंद्र जी से अनुरोध किया, उन्होंने तुरंत लॉर्ड बेंटिक से अनुमति लेकर बाबूघाट और रोड निर्माण की व्यवस्था कर दी। इतना ही नहीं, कोना ग्राम के अनेक निर्धन परिवारों को विपुल मात्रा में आर्थिक सहायता देने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। अपनी मातृस्मृति में उन्होंने आहिरी से गंगा तट पर घाट बनवाया। दानशूर राजचंद्र जी ने गंगा यात्रियों के लिए भवन का निर्माण किया और निःशुल्क चिकित्सा की भी व्यवस्था की। दुर्भाग्यवश 49 की आयु में ही यह दानी धर्मात्मा का एपिलेप्सी वाधी के कारण निधन हुआ। जमीन, जमींदारी और जायदाद का सारा जिम्मा मेरे कंधों पर आ पड़ा। कुछ दिनों तक निराहार रहकर मैंने विपुल दान धर्म किया और बाद में विश्वस्त वृत्ति से दामादों के सहकार्य से कार्यभाग स्वीकारा। दैनंदिन पूजा पाठ के अलावा सरस्वती पूजा, काली पूजा, रथ यात्रा, उत्सव निमित्त स्थानिक कलाकारों को प्रोत्साहित करना मुझे स्वीकृत था। एक बार जगन्नाथ या रथ यात्रा के लिए चांदी का रथ बनवाने की आकांक्षा हुई। मेरे दामाद ने हैमिल्टन कंपनी को यह कार्यभार सौंपने की चाही, लेकिन मैंने स्थानीय कारागोरियों को यह कर्म सौंपा। बड़े धूमधाम से जगन्नाथ यात्रोत्सव मनाया गया। एक बार दुर्गा पूजा के समय षष्ठी के समारोहों के बाद चारों दिशाओं से गूंजने वाले आवाज से एक गोरी अधिकारी की निद्रा में विघ्न उत्पन्न हुआ। उसने तो दुर्गा उत्सव बंद करवाया, मुझ पे मुकदमा चलवा गया और मुझे जुर्माना तक भरना पड़ा। मैंने भी अंग्रेजों को सबक सिखाने की ठान ली। मैंने तुरंत बल्लियाँ लगाकर जान बाजार से बाबू रोड तक का संपूर्ण मार्ग बंद करवाया। सरकार के विरोध करने पर मैंने कहा, जमीन मेरी है, मेरे मर्जी से मैं जो चाहे करूँगी। जब सरकार का व्यापार ठप्प हुआ तो मुझे सरकार ने
जुर्माना तो वापस दिया और रास्ता खुला करने की अनुरोध किया। अंग्रेज अधिकारियों ने हुगली नदी में मछलियां पकड़ने के लिए मछुआरों पर टैक्स लगाया। स्टीमर के चलनों के कारण बेचारे मछुआरे को मछली पकड़ना बहुत मुश्किल था। गांव में मछुआरों के हक के लिए मैंने नदी के दोनों किनारों पर चेन डाल दी और स्टीमर्स पर भी पाबंदी लगा दी। जब तक अंग्रेज सरकार ने मेरी शर्तें मंजूर नहीं की तब तक मैंने चेन नहीं हटवाई। नदी का किनारा लीज पर लेकर मछुआरों को रोजी रोटी का साधन उपलब्ध करा दिया। कलकत्ता के फ्री स्कूल स्ट्रीट के निवासी कुछ अंग्रेज सैनिक अक्सर यात्रियों को, स्थानिक लोगों को और बच्चों को अक्सर अत्याचार करते थे। एक दिन मेरे दरबानों ने उन सैनिकों को बहुत पीटा। बदला लेने हेतु कुछ सैनिकों का गुट मेरे हवेली पर घुस गया और उन्होंने आक्रमण किया। पशु पक्षियों को मारकर सारे घर का तहस नहस कर दिया। मेरा तो बस खून खौल गया। प्राणों की रक्षा के लिए मैंने सभी नौकरों को जाने के आदेश दिए और रघुनाथ मंदिर के सामने आत्मरक्षा के लिए खुद त्रिशूल लेकर खड़ी हुई। जब वो अधिकारी ने मुझे त्रिशूल लेकर खड़े देखा तो वह भी सकपकाया और सौभाग्यवश एक उच्चस्थ अधिकारी ने यह तांडव लीला बंद करवाई। सुंदरबन के लुटेरों को मछुआरों का व्यवसाय प्रदान करने वाली, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाली, बहुविवाह के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्राफ्ट भेजने वाली, दानसूर रानी रोशमणि जिसने स्वर्णलेखा नदी से जगन्नाथपुरी तक का रास्ता बनवाया, हिंदू कॉलेज को विपुल दान दिया, उस रानी रोशमणि को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।